हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्पेंसर सोनेट नंबर 77 विच इज़ द कलेक्शन ऑफ एमोरेटी और इस सोनेट का टाइटल है लव एस फीस्ट। अपनी इस सोनेट में स्पेंसर ने बताया है कि जो उनकी प्रेमिका है वो कितनी खूबसूरत है, उनकी बॉडी की ब्यूटी के बारे में बताया है उन्होंने, और या साथ में ये भी बताया है कि जो स्पिरिचुअल लव होता है और जो एक फिज़िकल लव होता है वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड होते हैं। स्पेंसर ने अपने सोनेट में काफ़ी सारे मेटाफर्स का यूज़ किया है और फर्स्ट टू स्टांजास जो हैं उनमें स्पेंसर ने एक ड्रीम विज़न को शो किया है। स्पेंसर अपने सोनेट में कहते हैं कि पता नहीं ये एक ड्रीम था या फिर मेरी इमेजिनेशन थी, जिसमें मैंने देखा एक हाथी दांत की टेबल पर बहुत सारे व्यंजन रखे हुए हैं खाने के लिए, जो कि किसी का भी मन लुभा दें, और वहाँ पर बहुत से बड़े बड़े लोग आए हुए हैं जिनके साथ एक प्रिंस भी बैठे हुए हैं। साथ ही उस टेबल पर एक सिल्वर डिश रखी हुई है जिसके ऊपर दो एप्पल रखे हुए हैं जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा है और जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है। स्पेंसर कहते हैं कि जो दो एप्पल हैं ये उन एप्पल से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं जो कि हरक्यूलिस अटलांटा के लिए लेके आया था। अटलांटा हरक्यूलिस गाइस रोमन क्लासिकल मिथ्स हैं, जिसमें अटलांटा ने कहा था कि जो मुझको हराएगा मैं उससे शादी करूँगी और जो मुझको नहीं हरा पाएगा उसको मार दिया जाएगा। और हरक्यूलिस अपने साथ तीन एप्पल लेके आता है जिनको देखकर अटलांटा का ध्यान भटक जाता है और वो उसको हरा देता है। तो स्पेंसर कहते हैं कि ये जो एप्पल हैं उन एप्पल से भी खास हैं। सोनेट के थर्ड स्टांजा में स्पेंसर बताते हैं कि ये जो एप्पल है ये बहुत ही ज़्यादा मीठा है और इसमें कोई सिनफुल वाइस भी नहीं है, जैसे कि जो एडम और ईव थे और जब उन्होंने पैराडाइज का जो फ्रूट खाया था तो उसके बाद उन दोनों को पापी कहा गया था, जैसे कि उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। तो स्पेंसर बताते हैं कि इन एप्पल्स में उस तरह की कोई कमी भी नहीं है। इसके बाद स्पेंसर कहते हैं कि इस एप्पल को टेस्ट तो हर कोई करना चाहता है लेकिन आज तक ऐसा कोई कर नहीं पाया है क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। स्पेंसर ने इस फ्रूट को स्वीट फ्रूट ऑफ प्लेजर कहा है, यानी कि इसको कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी से कनेक्ट किया गया है। और स्पेंसर कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि जो लव गॉड हैं वो इस फ्रूट को पैराडाइज से खुद लेकर आए हैं और उन्होंने इसको अपने गार्डन में लाकर लगा लिया है। इसके बाद फाइनल कपलेट में स्पेंसर खुद क्लियर करते हैं कि वो जो टेबल थी वो एलिजाबेथ बॉयल थी और जो वहाँ पर व्यंजन रखे हुए थे टेबल के ऊपर वो सब उनके थॉट्स थे, और उस टेबल के ऊपर जो सिल्वर डिश रखी हुई थी जिसमें कि दो एप्पल रखे हुए थे वो एलिजाबेथ बॉयल के ब्रेड्स थे, उनके ब्लॉसम थे। तो यहाँ पर स्पेंसर ये खुद क्लियर करते हैं कि इस सोनेट में किसी भी दो एप्पल की बात नहीं हो रही थी, वो एलिजाबेथ बॉयल की बॉडी के बारे में बात हो रही थी, उनके बॉसम्स के बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ पर गाइस स्पेंसर ने मेटाफर का प्रयोग किया है जिसमें उन्होंने एलिजाबेथ बॉयल के बॉसम्स को गोल्डन एप्पल्स के साथ कंपेयर किया है। राइम स्कीम इसकी सेम रहेगी गाइस, जो कि सोनेट नंबर 34 और सोनेट नंबर 67 में रही है। ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई ई। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि स्पेंसर ने अपनी ये जो सोनेट नंबर 77 लिखी थी उसको उन्होंने बोरो किया था, एक इटालियन पोएट थे तासो, उन्होंने एक सोनेट लिखी थी नॉन सोन सी बैली, उसमें उन्होंने अपनी जो प्रेमिका थी उनके ब्रेस्ट के बारे में लिखा था और उन्होंने उनको टू एनालॉजीज़ के साथ कंपेयर किया था। एक को उन्होंने कंपेयर किया था अटमनल फ्रूट के साथ और दूसरे को उन्होंने कंपेयर किया था गोल्डन एप्पल के साथ।